डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गावा। और ये समस्या है निपल से डिस्चार्ज, निपल से कुछ सिक्रीशंस निकलना। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि निपल के सिक्रीशंस लेकर जब कोई पेशेंट आता है तो हमें उसमें बहुत सी चीज़ें देखना होती हैं। पहली चीज़ हमको ये देखना होती है कि ये पानी या जो भी सिक्रीशंस हैं ये अपने आप निकलते हैं या दबाने से निकलते हैं, क्योंकि जो भी सिक्रीशंस अगर दबाने से निकलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम बीमारी नहीं होती है, उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल निपल डिस्चार्ज कहते हैं। जो डिस्चार्ज अपने आप निकलता है कि पेशेंट रात में सोया है, कपड़ा ख़राब हो गया, या दिन में इतना पानी निकल आया कि कपड़े पे लग गया, उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एबनॉर्मेलिटी कैंसर से एसोसिएटेड हो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं, बहुत सी प्रॉब्लम्स निपल के डिस्चार्ज को कर सकती हैं। जब भी कोई पेशेंट निपल डिस्चार्ज की कंप्लेंट लेके आता है तो हमें उसमें और कई चीज़ें देखना होती हैं कि निपल डिस्चार्ज एक तरफ से है या दोनों ब्रेस्ट से है। ब्रेस्ट में भी एक सिंगल डक्ट से है, एक सिंगल डक्ट का मतलब है कि एक पॉइंट पे आ रहा है या मल्टीपल पॉइंट पे आ रहा है। दूसरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निपल डिस्चार्ज पानी की तरह है, मिल्क की तरह है, ग्रीनिश है या ब्लड स्टेन्ड है, क्योंकि वो निपल डिस्चार्ज जो मल्टीपल डक्ट से आ रहे हैं और दोनों ब्रेस्ट से आ रहे हैं, अगेन वो कोई सीरियस बीमारी नहीं होती। थैंक यू।